हर हर महादेव। भारत के ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। आइए जानते हैं उनके बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। विदेशी आक्रमणों से यह 17 बार नष्ट हो चुका है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि वे एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित है। जहाँ यह ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। जिस तरह कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी प्रदान किया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्मस्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए धर्मस्थलों में काशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का एक पर्वत है, यहीं से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत में दुमका नामक जनपद में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान पर स्थित है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का अर्थ है नागों का ईश्वर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह 4 धामों में से एक है। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुर्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव।